पत्रकार साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपको इन्फॉर्म किया, फिर भी आप तमाम लोग यहाँ पर आए, तो मैं दिल से आपको सभी साथियों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बसवन्ना जी की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। ये RSS और BJP के लोग चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले हमारे बीच में तलवार और त्रिशूल बांटते हैं और अमित शाह के बेटे को 50,000 करोड़ का BCCI का कारोबार देते हैं। वो अपने साधु भाई और बहनों ही को करोड़ों के बोल रहे मंगलसूत्र। अरे दिल्ली की सड़कों पर 750 किसानों की किसान आंदोलन के दौरान मौत हुई, उन्होंने बलिदान दिए, उनकी बहनें जो विधवा हुई उनके मंगलसूत्र का क्या? तो अब तमाम समझदार लोग हैं, अब तमाम मीडिया के साथियों को मैं यही अपील करने के लिए गुजरात से चलकर आया हूँ। गुजरात मॉडल के मुकाबले कर्नाटका का सीतारामैया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट 1,000 गुना बेहतर है। यहाँ के सीतारामैया जी की सरकार, DK शिवकुमार जी, हमारी कांग्रेस पार्टी जो कहती है, जो मैनिफेस्टो में लिखती है, वो कर दिखाती है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो ने जो कहा था वो करके दिखाया है। और इस बार भी इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानून बनेगा, डिप्लोमा डिग्री करने वाले हर स्टूडेंट को हर महीने 8,500 रुपया मिलेगा, परिवार की एक महिला को जो गरीबी रेखा के नीचे है उन तमाम महिलाओं का सर्वे करके परिवार की एक महिला को एक साल के लिए ₹1,00,000 मिलेगा, और खाली पड़े तमाम सरकारी पदों में भर्ती करके 5 साल के अंदर 30,00,000 युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी देने जा रही है। तो RSS, BJP और मोदी का मुद्दा है मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाओ, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। हमारा यही पैगाम है कि भाईचारा हो, एकता हो और सभी जाति और धर्म के लोगों का भला हो, यही बीजापुर की जनता समझे, किसी के बहकावे में ना आए, RSS और BJP का प्रोपेगेंडा समझे। और पूरे बीजापुर की, पूरे कर्नाटका की बहनों और माताओं को अपील करता हूँ, पूरे कर्नाटका के सभी और जाति धर्म की बहनों को अपील करता हूँ, कम से कम अपना एक वीडियो बनाइए और पूरे भारत को बताइए कि कर्नाटका की माताओं के साथ, कर्नाटका की बहनों के साथ, कर्नाटका की बेटियों के साथ, 16 साल की बच्ची से लेकर अपनी दादी की उम्र की 65 साल की महिलाओं के साथ जिस प्रकार से ये प्रज्वला रेवन्ना ने बलात्कार किए हैं, पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि यहाँ भारत माताओं के साथ क्या हुआ, यहाँ कर्नाटका की भारत माताओं के साथ किस प्रकार से रेप और बलात्कार हुआ, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को पता चले। इसलिए कर्नाटका की एक एक बहन अपना भी वीडियो बनाए और जनता को जागरूक करें, ये बात आपके बीच में रखना चाहता था। आपके जो भी सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा। मोदी जी ने अभी अपने कहा, तो मोदी जी पे आता हूँ, तो कह रहे थे कि पहले तो शुरुआत की थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब यहाँ तक बोल रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं और घुसपैठिए तक कहा, आपके हिसाब से ये कैसा? देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करने, और संविधान के साथ, संविधान के मूल्यों के साथ नरेंद्र मोदी साहब को कोई लेना देना नहीं। वो 4.5 साल विकास की बात करते हैं, जैसा ही चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान, ये 6 शब्दों का प्रयोग ना करें मोदी जी और फिर चुनाव में उतरे, उनकी 200 सीट नहीं आएगी। जो स्लोगन है आपकी बार 400 पार, क्या हो? किस मुंह से आप कह रहे हैं? क्या हिंदुस्तान की, भारत की माताएं और बहनें इन बलात्कार करने वाले लोगों को वोट देंगी? क्या हिंदुस्तान की बहु बेटियां बलात्कारियों को समर्थन करने वाले नरेंद्र मोदी को 400 सीट देगी? ऐसे कैरेक्टर लेस लोगों की, बलात्कारियों की पार्टी को कौन वोट देगा? ये नामुमकिन है। और यहाँ BJP के लोग गुजरात मॉडल चाहते हैं, यही है गुजरात मॉडल? बिल्किस बारू के बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर लड्डू खिलाओ, हाथरस में बलात्कार का शिकार हुई बेटी की बॉडी, डेड बॉडी उसके परिवार को देने के पहले पेट्रोल से जला डालो, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाए, खामोश रहो, 3,000 वीडियो आए बलात्कार के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के,
पोर्नोग्राफी के, मोलेस्टेशन के, ये प्रज्वल रेवाने के, उसका कॉग्निजेंस न लो, उस पर खामोश रहो, उसके सर पर आशीर्वाद दो, उसको टिकट दो, उसको उसका प्रचार करो। यही आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना। वो 400 नहीं आ रहे तो इंडिया अलायंस का आपके हिसाब से इस बार सरकार बनने वाली है? बिल्कुल, इंडिया अलायंस का 110% सरकार बनेगा, डंके की चोट पर बनेगा, और साउथ इंडिया से पूरा भाजपा साफ होगा। वर्स्ट केस में भी कर्नाटका में 20 के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सीटें आएगी, इंडिया अलायंस की सीटें आएगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपके साथी पटेल साहब बीजेपी को क्यों? जिनको विचारधारा के साथ ज्यादा सरोकार नहीं, वो चले गए। जो आइडियोलॉजिकली साउंड है वो आपके बीच में खड़ा है। ये पृथ्वी का गोला उल्टा हो जाए तब तक, आखिरी सांस तक आरएसएस और बीजेपी के साथ मैं कभी समाधान नहीं कर सकता, ये मेरी विचारधारा है। पुलवामा का जो घटना हुआ, जी पुलवामा की घटना, जी घटना के बारे में मलिक साहब जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने साफ बताया 11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई वारदात घटना हो सकती है, आप चौकन्ने रहिए, आप आर्मी के जवानों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह पर उनको पहुँचाइए। 11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बावजूद सत्यपाल मलिक और हमारी एजेंसियों को बार बार कहने के, चिल्लाने के बावजूद भी उनको एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह पर नहीं ले जाया गया, और उसी का नतीजा है हमको 40 से ज़्यादा जवान खोने पड़े। ये नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के लिए कलंकित है। कर्नाटक में तक घूमे हैं, क्या अंदाजा कितने हैं? बहुत बढ़िया, कर्नाटका की जनता, मैंने कहा ये बसवन्ना जी की धरती है। कितना भी प्रोपेगेंडा आरएसएस बीजेपी करे, असेंबली के चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी 20 से ज़्यादा सीट लेकर आएगी। बेरोजगारी का सवाल जो उसकी चरम सीमा पर पहुंचा है, महंगाई का सवाल उसकी चरम सीमा पर पहुंचा है, ये कर्नाटका की जनता समझ रही है। साथ साथ ये भी देख रही है कि सीतारामैया जी ने जो भी प्रॉमिस किए थे, परिवार को 10 किलो चावल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल फ्री, महिलाओं के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट फ्री, और युवा साथियों के बैंक अकाउंट में पैसा देना, महिलाओं को हर महीने 2-3 हज़ार देना, वो सारे प्रोमिसेस जिस प्रकार से फिलअप किए हैं, तो कर्नाटका की जनता भी उसका बहुत बढ़िया मैसेज है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो भी बोलेगी वो करके दिखाएगी। जो भारत जोड़ो हुआ उसमें लाखों लोग आए, उसके बाद भारत नया जोड़ में, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वो एक भीड़ आई लेकिन उसे शायद वोट कन्वर्ट होना मुश्किल है। नहीं, आपके कर्नाटका में पता चल जाएगा। कर्नाटका के चुनाव के पहले भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज पूरा हुआ, कर्नाटका में बढ़िया रिजल्ट मिला, लेकिन मेरा तो यहाँ तक कहना का सवाल है कि ये कबीर का देश है, ये ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, बसवन्ना और सूफी संतों की भूमि है। यहाँ पर कोई भी आरएसएस बीजेपी टाइप का फोर्स देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करे, उससे हिंदुस्तान की आत्मा जख्मी होती है। ये जख्मी हुई हिंदुस्तान की आत्मा पर मोहब्बत का मलहम लगाने के लिए कोई भी निकले ना, वो चुनावी फायदे से बहुत बड़ी चीज़ है। वो फायदा राजस्थान में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश सब जगह पे फायदा होगा, होगा मतलब। हाँ, आप भी भविष्य वेता नहीं, मैं भी भविष्य वेता नहीं, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा, देखिए आप। सॉरी, अगले 10 साल आते हैं ना, तो बताया ना मोदी जी कितना रोजगार हुआ, आज रुपये की कीमत क्या है, महंगाई उसकी चरम सीमा पर कितने हैं, अब स्मार्ट सिटीज बनाने वाले थे क्या हुआ, बेरोजगार लोगों को नौकरी देने वाले थे क्या हुआ, पेट्रोल डीजल और जीएसटी के जरिए, पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स लगाकर और जीएसटी के माध्यम से भारत की 135 करोड़ जनता की पॉकेट से 58 लाख करोड़ चूस दिया है। किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, कितना कर्जा माफ किया कॉरपोरेट कंपनी और बिजनेस हाउसेस का, 16 लाख करोड़। किस प्रकार के विकास की आप बात कर रहे हैं? आप ही कह रहे हो कि 80 करोड़ लोग राशन पर जी रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो विश्वगुरु बनना है, जहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाए, महिलाओं के 3000 वीडियो कर्नाटक और भारत में घूम रहे हो सेक्स कांड के, और आपको विश्वगुरु बनना है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनके अंदर शर्मिंदगी होनी चाहिए, उनको लज्जित होना चाहिए,
प्रधानमंत्री को ये फील करना चाहिए कि मैंने बलात्कार करने वाले लोगों को टिकट दिया, मैंने बलात्कार करने वाले लोगों के लिए कैंपेन किया। मॉरल ग्राउंड पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिजाइन करना चाहिए। अमित शाह जी बोल रहे हैं कांग्रेस के पास फेस ही नहीं है प्रधानमंत्री। मैं फेस नहीं हूँ? सीतारामैया जी फेस नहीं है? डीके शिवकुमार जी फेस नहीं है? राहुल गांधी जी फेस नहीं है? सचिन पायलट फेस नहीं है? कन्हैया कुमार फेस नहीं है? फेस ही फेस है। भाजपा वाले जैसे बलात्कारी फेस हमारे पास नहीं है। हाँ, हमारे पास अच्छे साफ सुथरे चेहरे हैं। वो तो इंडिया अलायंस की सारी पॉलिटिकल पार्टियां साथ में बैठकर तय करेगी, कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे। आपको बताऊंगा पहले, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।